मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग अबाउट चैप्टर नंबर 6 फ्रॉम वर्ल्ड पॉलिटिक्स. चैप्टर नेम इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. नाउ वी हैव टू बी स्टडी अबाउट द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन द यूनाइटेड नेशन. यूनाइटेड नेशन के बारे में वी आर स्टडी अवर कॉन्टिन्यू वीडियोज एंड वी हैव ऑल्सो स्टडी अबाउट द ऑर्गन्स ऑफ द UN. एंड इन द लास्ट वीडियोज वी हैव ऑल्सो स्टडी अबाउट टू ऑर्गन्स, द जनरल असेंबली द सिक्योरिटी काउंसिल. जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में हम लोग लास्ट वीडियोज में हम लोग पढ़ चुके हैं. द जनरल असेंबली वी हैव स्टडी इन लास्ट वीडियोज डिटेल. एंड द सेकेंड ऑर्गन इज द सिक्योरिटी काउंसिल. द सिक्योरिटी काउंसिल वी हैव ऑल्सो स्टडी अबाउट द सिक्योरिटी काउंसिल. दैट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द UN एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन. यू हैव स्टडी अबाउट द मेंबरशिप. देर आर 15 कंट्रीज मेंबर ऑफ दिस काउंसिल. 5 आर परमानेंट मेंबर विच आर इन जो वीटो पावर एंड 10 आर नॉन परमानेंट मेंबर. वी हैव ऑल्सो स्टडी इन लास्ट वीडियोज. द थर्ड ऑर्गन इज द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. इन दिस वीडियोज वी हैव स्टडी द रिमेनिंग 4 ऑर्गन्स ऑफ द UN. एंड द थर्ड ऑर्गन इज द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल यानी कि आर्थिक और सामाजिक परिषद के नाम से इसको जाना जाता है. इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल दैट इज द थर्ड ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन. द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल कंसिस्ट ऑफ 54 मेंबर कंट्री इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली फॉर ए 3 ईयर्स ऑफ टर्म. यहां पर देखें कि जो इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल है जिसमें 54 मेंबर्स कंट्री यानी कि 54 मेंबर्स हैं इसके, जो कंट्री हैं 54 कंट्रीज इसके मेंबर हैं इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली. और ये 54 जो कंट्रीज हैं इनको किसके द्वारा इलेक्ट किया जाता है? जनरल असेंबली के द्वारा. फॉर ए 3 ईयर टर्म यानी कि इसका जो कार्यकाल होता है वो 3 साल के लिए होता है. इट डिस्कस इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज. कहते हैं कि जनरली इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये सामाजिक और जो आर्थिक मुद्दे होते हैं उनके ऊपर डिस्कशन करता है. इट इज मेनली कंसर्न विद मैनेजमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन सोशल कल्चरल एक्टिविटीज टू प्रमोट इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस. यानी कि इसका जो मेन मोटिव है, इट इज मेनली कंसर्न यानी कि इस बात को लेकर काफी कंसर्न में रहती है विद मैनेजमेंट ऑफ UN सोशल कल्चरल एक्टिविटी. यानी कि UN की जो सोशल कल्चरल एक्टिविटीज है उनको बढ़ावा देना, इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस, ताकि हम लोग अपना सामाजिक और आर्थिक विकास कर सके. जितने भी मेंबर कंट्रीज है उनके सोशल और इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए हमारी जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है वो मेनली फंक्शन करती है, ताकि मेनली सभी कंट्रीज का डेवलपमेंट हो सके. कौन सा डेवलपमेंट? इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट. तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. टू सोल्व प्रॉब्लम दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम आर डिस्कशन और सोल्व बाय द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. कौन कौन सी प्रॉब्लम है जिनको सोल्व करती है? रिलेटिंग टू हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है वर्ल्ड लेवल पर जो UN के मेंबर कंट्रीज है. एंड इलिटरेसी निरक्षरता यानी कि जो साक्षर लोग नहीं है, अनपढ़ता को लेकर जो प्रॉब्लम है, बहुत सारे कंट्री में लिटरेसी रेट अच्छा नहीं है, उनको इंप्रूवमेंट करने का जो प्रयास करती है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. एंड अनएम्प्लॉयमेंट दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम दैट आर मेनली सोल्व आउट बाय द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. दैट इज द मेन ऑर्गन विच आर डिस्कशन रिलेटेड टू इश्यू इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस. टू सोल्व द प्रॉब्लम लाइक दैट हेल्थ इलिटरेसी एंड अनएम्प्लॉयमेंट दैट आर द मेन प्रॉब्लम द होल वर्ल्ड विच आर सोल्व बाय द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गन. थर्ड ऑर्गन द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. देर आर 54 मेंबर कंट्रीज. दैट इज द थर्ड ऑर्गन ऑफ UN दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. नाउ वी हैव टू बी डिस्कशन अबाउट द फोर्थ ऑर्गन ऑफ द काउंसिल, द ट्रस्टीशिप काउंसिल. द ट्रस्टीशिप काउंसिल वॉज इलेक्ट ऑफ इमीडिएटली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. यानी कि जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के तुरंत बाद इसका सेटअप किया गया था. इट वॉज सेट ऑफ एंश्योर टू प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ दिस एरिया ऑफ द वर्ल्ड दैट वर अंडर फॉरन रूल. कहते कि मेनली ये जो है ऑर्गन है हमारा, फोर्थ ऑर्गन है UN का, कहते कि ये वहां के प्रशासन व्यवस्था को देखती है जो कंट्रोल फॉरन रूल के कंट्रोल में है. जो संसार के कुछ पार्ट ऐसे हैं जहां पर आज भी कॉलोनियल रूल है तो फॉरन के कंट्रोल में, तो उनके ऊपर मेनली उनकी देखरेख करने का, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने का काम करती है. द काउंसिल वॉज ऑल्सो टेक स्टेप टू हेल्प देम टू स्ट्रेन सेल्फ गवर्नमेंट. कहते कि यहां तक कि ये जो ऑर्गन है ये मदद करता है उन कंट्रीज की
ताकि वो अपनी सेल्फ गवर्नमेंट स्थापित कर सके जहां पर फॉरेन रूल है। तो ये था इसमें ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप का व्हाट इज ट्रस्टीशिप काउंसिल, व्हेन इट वाज फॉर्मड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इमीडिएटली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसको फाउंड किया गया था। एंड नेक्स्ट इज फिफ्थ ऑर्गन ऑफ द यूएन, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गन। यू हैव ऑल्सो से द नेम ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द यूएन, दैट इज द जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द यूएन। यानी कि अगर हम बात करें यूएन की जो न्याय व्यवस्था है वो डिपेंड करती है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। लोकेशन कहां पर है, कहां पर लोकेट है, हेग्यू नीदरलैंड के अंदर है, हेग्यू, हेग्यू नामक स्थान पर ये लोकेटेड है। द कोर्ट कंसिस्ट ऑफ 15 जजेस फ्रॉम डिफरेंट कंट्री इलेक्टेड बाय जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल। मोस्ट इंपोर्टेंट, जजेस की संख्या कितनी है, 15। हाउ मेनी, देर आर मेनी टाइम्स इन बोर्ड एग्जाम दैट वी हैव टू बी रिपीटेड क्वेश्चन, हाउ मेनी जजेस आर अपॉइंटेड इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। देर आर 15 जजेस एंड दे आर बिलोंग टू डिफरेंट कंट्रीज, नॉट द सेम कंट्रीज। इफ वी हैव टू बी टॉक अबाउट टेन्यूर, टेन्यूर मेनली वी हैव टू बी डिस्कशन अबाउट द टेन्यूर ऑफ द, अगर हम टेन्यूर की बात करते हैं, कार्यकाल की बात करते हैं, तो इसका जो टेन्यूर है, हमारी जो ऑर्गन है इंटरनेशनल जो कोर्ट है, कोर्ट के लिए टेन्यूर की अगर हम बात करें, टेन्यूर के लिए जो टाइम पीरियड रहता है वो रहता है इसमें मेनली 9 ईयर्स के लिए, 9 ईयर के लिए टाइम पीरियड रहता है। नो टू जजेस कैन बी सिटीजन ऑफ द सेम कंट्री, यानी कि दो टोटल नंबर ऑफ जजेस 15 है, तो कोई भी कंट्री के दो जज अपॉइंट नहीं किए जा सकते। यानी कि कहने का मतलब यह है कि एक कंट्री से एक ही जज को हम लोग अपॉइंट करते हैं। व्हेन वी हैव टू बी डिस्कशन अबाउट द फंक्शन ऑफ द यूएन, अगर हम इसके फंक्शन की बात करते हैं, क्या क्या फंक्शन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, टू सेटल डिस्प्यूट ब्रॉट टू इट बाय मेंबर नेशन, यानी कि कोई भी मेंबर नेशन है उनके बीच में कोई भी डिस्प्यूट आता है तो इंटरनेशनल कोर्ट में आता है। टू प्रोवाइड लीगल एडवाइस टू एनी ऑर्गन ऑफ द यूएन ऑन रिक्वेस्ट, यानी कि यूएन के जो ऑर्गन है उनको भी, यानी कि उनकी रिक्वेस्ट पर कोई भी, मतलब ये कोई भी अगर ऑर्गन रिक्वेस्ट करता है तो उस ऑर्गन को एक तरह से मतलब सजेशन देने का काम करती है। ओनली रिक्वेस्ट, ओनली रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट करने पर ऐसा करती है, अदरवाइज इसको किसी प्रकार का